पलवल जिला समाज कल्याण विभाग में किस तरह से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण सामने आया है। पलवल के गांव रीवण में 9 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनवाकर गलत तरीके से बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने का मामला पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। इन लोगों के साथ साथ जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इनमें लिप्त हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इन फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराया गया। सीएम फ्लाइंग को इस मामले की सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने फर्जी आयु मेडिकल प्रमाण पत्र और फर्जी वोटर कार्ड के जरिए पेंशन हासिल की है। ऐसे में सीएम फ्लाइंग के द्वारा इन लोगों के सभी दस्तावेजों को चेक किया गया और संबंधित विभागों से दस्तावेजों का असली डाटा लिया गया, जिसके बाद पता चला कि इन लोगों ने जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं वह पूरी तरह से नकली हैं। इस मामले में जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सहित कर्मचारी भी शामिल हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नकली दस्तावेजों को तैयार किया गया है। फर्जी आयु मेडिकल और फर्जी वोटर कार्ड के द्वारा लाभार्थियों को 60 वर्ष से ज़्यादा दिखाया गया है। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी व गांव रीवड़ निवासी रामवीर, रामलाल, सतबीर, कमला, धर्मवीर, चतर सिंह, पुष्पा देवी सहित अन्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें गुनमा नंबर हमने 882 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 420, 467, 871 और 120 बी। बेसिकली इसमें क्या है कि 9 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का गलत अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर जगदीश की कंप्लेंट हमने केस रजिस्टर किया है। तो असल में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। टोटल अब तक 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी गिरफ्तारियां होंगी और वो केस भी बढ़ सकते हैं। शिकायत में क्या आरोप वाले? ये टोटल के टोटल 9 जो अक्यूज हैं रिवर्ड गांव पड़ता है थीन थाना के अंदर, उस गांव के रहने वाले। तो सर इस मामले में रोल किस किस का सामने आ रहा है? विभागीय कर्मचारी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का भी नाम आ रहा है। प्रिमा फेसी तो एक तो कॉमन सर्विस सेंटर के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और जिला समाज कल्याण विभाग के संबंधित लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक, तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे प्रूफ सामने आएंगे गिरफ्तारियाँ करेंगे। इसमें गुनमा नंबर हमने 882 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 420, 467, 871 और 120 बी। बेसिकली इसमें क्या है कि 9 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का गलत अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर जगदीश की कंप्लेंट हमने केस रजिस्टर किया है। तो असल में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। टोटल अब तक 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी गिरफ्तारियां होंगी और वो केस भी बढ़ सकते हैं। शिकायत में क्या आरोप वाले? ये टोटल के टोटल 9 जो अक्यूज हैं रिवर्ड गांव पड़ता है थीन थाना के अंदर, उस गांव के रहने वाले। तो सर इस मामले में रोल किस किस का सामने आ रहा है? विभागीय कर्मचारी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का भी नाम आ रहा है। प्रिमा फेसी तो एक तो कॉमन सर्विस सेंटर के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और जिला समाज कल्याण विभाग के संबंधित लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक, तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे प्रूफ सामने आएंगे गिरफ्तारियां करेंगे। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो दो केवल नेटवर्क पर चल रहा है, डिजाइना केवल नेटवर्क और चांदनी केवल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया।